आज दोस्तों हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक ऐसी बेहतरीन कहानी जो आपको फिर से यकीन दिला देगी कि हार्डवर्क से सफलता मिलनी तय होती है। ये कहानी है दोस्तों डॉस सेंटोस की। डॉस सेंटोस के पापा नगर निगम में माली थे। जी हाँ दोस्तों, वो माली जो पेड़ पौधों का ध्यान रखता है और उसमें पानी देता है। डॉस सेंटोस को दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और 8 साल की उम्र में इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। डॉस सेंटोस का पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर्स में से एक हैं दोस्तों, आज हम उनकी जीवन के शानदार किस्से आपको सुनाने वाले हैं जिससे आपको आपका गोल अचीव करने में मदद मिलेगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के अंचल सिटी में हुआ था। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ एक टीन की छत वाले घर में रहते थे दोस्तों, जिसमें बारिश आने पर पानी अंदर घुस जाता था। चलिए आपको बताते हैं कि क्रिस्टियानो के नाम का किस्सा क्या है। क्रिस्टियानो के फादर अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के बहुत ही बड़े फैन थे दोस्तों, और उन्होंने उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा। दुनिया के सबसे सेक्सी गोल मारने वाला, सबसे सेक्सी कार्स में रहने वाला, शानदार घरों में रहने वाला वास्तव में उस स्तर से उठ के आया दोस्तों कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आंखें खोलने के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल को अपने साथ थाम लिया था। 8 साल की उम्र में इनको एंड्रियानो फुटबॉल क्लब में एडमिशन मिल गया था दोस्तों, और उस समय भी ये काफी जबरदस्त फुटबॉल खेलते थे। एक फन फैक्ट बताता हूँ दोस्तों आपको, क्रिस्टियानो की मम्मी क्रिस्टियानो को क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी, मतलब रोता हुआ बच्चा। एक्चुअली क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी भी अगर गेम हारते थे या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे फुटबॉल ग्राउंड में तो वो वहीं पर रोने लगते थे, इसीलिए उसकी मम्मी उन्हें क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी। पढ़ाई लिखाई का इनका खासा शौक नहीं था, इसीलिए आमतौर पर ये क्लासेस बंक कर दिया करते थे। उस समय पर ये आमतौर पर कहा जाता था कि अगर क्रिस्टियानो कहीं नहीं मिल रहे तो आपको उन्हें फुटबॉल ग्राउंड में ढूंढना चाहिए। रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना इतना पसंद था कि वापस आने का नाम ही नहीं लेते थे। आमतौर पर जब इनके दोस्त थक जाते थे तो ये अकेले घंटों फुटबॉल खेलते रहते थे। 10 साल की उम्र में इन्हें एक बड़े फुटबॉल क्लब में खेलने का मौका मिला जहां पर ये 2 साल तक खेलते रहे। उसी दौरान एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन जो कि एक फुटबॉल का काफी बड़ा क्लब है दोस्तों, इनके यहाँ सिलेक्शन के लिए आता है, और वहां पर ये लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो बंदा सबसे ज्यादा गोल मारेगा उसको ये लोग स्पोर्टिंग लिस्बन में एडमिशन दे देंगे। मैच शुरू होते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहला गोल बिजली की स्पीड से दाग दिया। दूसरा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत ही क्लोज फ्रेंड एल्बर्ट ने दाग दिया। तीसरा गोल एल्बर्ट करने के लिए गोली को बीट करके गोल पोस्ट तक पहुंच चुके थे, पर उन्होंने गोल नहीं दागा और क्रिस्टियानो की तरफ बॉल को पुश कर दिया और क्रिस्टियानो ने वो गोल दागा। मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम वो गोल दाग कर स्पोर्टिंग लिस्बन में जा सकते थे। उनके दोस्त ने उन्हें बहुत ही प्यार से कहा कि रोनाल्डो तू मुझसे बेहतर खेलता है और इस पर तेरा ही हक होना चाहिए। एंड्रूज आज भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक बेहतरीन दोस्त हैं दोस्तों। एक बेहतरीन और सच्ची कहानी है दोस्तों ये। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग हर कुछ फैक्ट के बेसिस पर लेकर आते हैं। स्पोर्टिंग लिस्बन ने क्रिस्टियानो को उस समय सिर्फ 15 पाउंड पे साइन किया था दोस्तों। 15 पाउंड, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, मतलब इतने बड़े आदमी को 15 पाउंड पे साइन किया गया था। स्पोर्टिंग लिस्बन में जाने के लिए क्रिस्टियानो को अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा और वहां पर वो 3 साल खेले। अचानक से 15 साल की एज में जब उनको चेस्ट में पेन उठा तो उन्होंने जब अपना चेकअप कराया तो उनके दिल में गड़बड़ी पाई गई दोस्तों, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। ऐसे में क्रिस्टियानो के सामने 2 ही विकल्प थे, एक या तो वो फुटबॉल छोड़ दें और दूसरा अपनी हार्ट सर्जरी कराकर कुछ समय रेस्ट करके वापस खेलें। रोनाल्डो ने ऑब्वियसली दूसरा रास्ता चुना और अपने हार्ट की सर्जरी कराई और दोबारा से फुटबॉल खेलना चालू कर दिया। इसके कुछ दिनों के बाद ही क्रिस्टियानो के फादर जो कि माली थे, उन्होंने इतनी शराब पीना चालू कर दिया कि शराब के चलते उनकी जान चली गई। यही वो दिन था दोस्तों कि क्रिस्टियानो ने डिसाइड कर लिया कि वो कभी जिंदगी में शराब नहीं पियेंगे, और उन्होंने आज तक नहीं पी है। उनकी इस बात के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। फादर की मौत के बाद दोस्तों, क्योंकि उनका करियर अभी सेटल नहीं हुआ था, तो घर के ऊपर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए। ऐसे में उनकी माँ मारिया ने कई सारे घरों में एक साथ काम करना चालू कर दिया ताकि रोनाल्डो के ऊपर ये वाला भार ना आए। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला क्लब मैच खेला और 2003 में जब ये 18 साल के थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनको $17 मिलियन में साइन किया दोस्तों। उस समय ये किसी भी टीनएजर्स के लिए सबसे बड़ी रकम थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता,
और ये फुटबॉल के सबसे उभरते सितारे के रूप में नजर आने लगे। 2009 में रियल मैड्रिड ने इन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन में खरीद लिया, जो कि उस समय का मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉल ट्रांसफर था। 2009 से 2015 तक जब ये रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, तो इनका खेल और इनकी ट्रिक्स इतनी शार्प तरीके से इंप्रूव हुए दोस्तों कि वास्तव में लोगों को मजा आने लगा। इस दौरान इन्होंने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 लालीगा टाइटल और 4 चैंपियनशिप थे। 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने इनको $100 मिलियन में खरीदा दोस्तों, और 30 साल की उम्र से ज्यादा होने के बावजूद ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 2015 में इन्हें पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर बाय ऑल टाइम का अवार्ड दिया, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड होता है ये। 2016-17 में ये सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट बने दोस्तों। ये तो थी दोस्तों इनकी सक्सेस स्टोरी। अब बताते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट इनके बारे में, जो जानकर आपको मजा आ जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों गजब का डोनेशन करते हैं। इनकी एक चैरिटी फंड है दोस्तों, सेव द चाइल्ड, जहां पर ये 600 से ज्यादा बच्चों का देखभाल करते हैं और उन्हें खेलना सिखाते हैं। 2012 में जो उन्हें गोल्डन बूट मिला था दोस्तों, उसको उन्होंने बेचा था 13 करोड़ रुपए में, और स्कूल बनवाने के लिए वो सारा का सारा पैसा इन्होंने डोनेट कर दिया था। आपने शायद दोस्तों कभी नोटिस किया होगा, इनकी बॉडी के ऊपर एक भी टैटू नहीं है, जबकि आमतौर पर फुटबॉल खिलाड़ियों के ऊपर एक से एक अमेजिंग टैटूज बने होते हैं। जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्लड बहुत ही ज्यादा डोनेट करते हैं, और इसीलिए वो अपने आप को कंटामिनेट नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने आज तक अपनी बॉडी के ऊपर एक भी टैटू नहीं बनवाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सुपर सेक्सी बॉडी के मालिक हैं, आमतौर पर बहुत ही सारी सुपर मॉडल्स के साथ देखे भी जाते हैं। 2007 में ये विपाशा बासु के साथ प्यार मोहब्बत करते हुए भी पाए गए थे। ये अपनी जिंदगी किंग साइज जीना पसंद करते हैं। एक से एक शानदार कारें, बुगाटी वेरॉन, स्पेशल मेड रोल्स रॉयस और बेहतरीन कार्स के साथ साथ दोस्तों रोलेक्स की आज तक की सबसे महंगी घड़ी इन्हीं के लिए बनाई गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि CR अपने नाम से एक ब्रांड CR7 भी लॉन्च कर चुके हैं, जो कि एक अमेजिंग ब्रांड है। आज भी दोस्तों ये इतना ज्यादा वर्कआउट करते हैं कि इनकी बॉडी एक 19 ईयर ओल्ड बॉडी के बराबर है। मतलब इनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं और किसी 19 ईयर एज वाले एथलीट के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो दोनों सेम रूप से काम करते हैं। क्राई बेबी से CR7 तक का सफर दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने कंप्लीट किया है, ये हमें सिखाता है हार्डवर्क, मोटिवेशन एंड नेवर गिव अप। ये 3 मंत्र हैं इनके, जो ये हर किसी को देना चाहते हैं। इनसे दोस्तों अगर हमें कुछ सीखना चाहिए, तो वो एक चीज है कि हमेशा लड़ते रहो, हमेशा इंप्रूव करो। अगर आपको हमारी कही हुई ये कहानी इनके बारे में अच्छी लगी हो, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि राइट टू शिक्षा भी लगातार मेहनत करता रहता है, हर दिन इंप्रूव करता है कि आपके लिए कैसे बेटर वीडियोज बनाए। जय हिंद, जय भारत।